रीना बहन, मैं यूं बोलूं तो क्या नाम है आपका? रीना। रीना क्या होता है? मेरे को बहुत परेशानी थी पहले, मेरे को बहुत आराम। चल तू अपनी अपनी बात छोड़ दे, अभी ये बता आपने सपन में क्या देखा? सपन में ये देखा मैंने मनु भैया और मैं मम्मी पापा और भी खत्म हुए बड़ा मेरे प्यार से। तो मनु भैया के साथ मम्मी पापा आपके लिए पियर वाले? हाँ जी। हाँ। तो पियर वाले दिखाई दिए साथ में आपके, और वे इतने खुश हो रहे बहुत ही ज्यादा, मेरे को दिखाई देने लगे। अभी वे मुक्ति मांग रहे हैं सभी। हाँ। मेरे को और मेरी भी चीजें निकाल के लेके आए मनु भैया सपने में जाके। मेरे को बहुत परेशानी थी मेरे को, लेकिन साथ साथ आराम भी मिल रहा मेरे को शनिदेव। अच्छा, की वो जो और भी आत्माएं आपने देखी मेरे साथ? हाँ जी, वे सब चाचा ताऊ हैं। वे पूरे सपन का विस्तार बताए, मतलब आपके पूरे कुल के पितरों का उद्धार हो गया। हाँ, वो सब मेरे साथ। हाँ, आपके साथ दिखाई दे रहे। हाँ, और जन्मदिन का भी आपका वो दिख रहा, जैसा आपका जन्मदिन है इतने खुश हो रहे हैं वे सब मिलके आपके साथ। अच्छा, मेरा जन्मदिन आपके पितर भी मना रहे थे? हाँ जी। हाँ, बोलो सच्चे, तालियां बजा दो भाई, बहुत अच्छा। लेकिन ये दिखाई तभी देता है जब होता है। अगर सूक्ष्म में व्यापार ही नहीं होगा आपको दिखाई कैसे देगा? सूक्ष्म के व्यापार ही आदमी को ज्यादातर स्वप्न में दिखाई देते हैं। अब मैं पियर के नाम से दीप दान कर रही हूँ। मैं भाई बहुत बुरी मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ उनकी तरफ से भी कुछ हो जाए। हम ही बड़ी बहने हैं तो मैं सोचती हूँ। अच्छा, आपके भाई दोनों छोटे हैं तो? हाँ, आप दोनों बड़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको लाभ मिलेगा। और ये इसमें मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रही हूँ तो कि उनका भी उद्धार हो जाए, तो मैंने दीप दान चालू कर रखे हैं। तो उसमें से चीज निकल के भगी मेरे पियर की तरफ से। अच्छा, टॉयलेट में से पहले मेरे को आवाज आई, फिर मैं डर गई, टूट फूट कर दिख रहा मेरे को वो। फिर मैं घूम के पहले रोई वो चीज, फिर कह रही आ गई तू। फिर मेरे को पहले भी दिखाई दिया वही कहीं, वहाँ से चीजें दिखाई देती, मैं पियर गई नहीं हूँ। तो इसका मतलब पियर में बहुत सारी चीजें थी और अब मम्मी पापा जो है मुक्त हो गए। हाँ। और उनके साथ बहुत सारे 10-12 पितर और मुक्त हो गए। और कितने दिखाई दिए थे आपको अपने चाचा ताऊ? 12-13 जने मरे हुए हैं जी। हाँ। घर में, चलो ठीक, घर तो पूरा खत्म हो गया, भाई से भी चाचा ताऊ से इतना बुरा हाल है उस घर में। और वहाँ कुछ भी मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा, खत्म ही हो गया। बढ़ जाएगा ना, तुमने काम ना कर रखी है, तुम यहाँ आ रहे हो और ये सब दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब बढ़त का ही तो है। अब ये सोचा, अब आते रहो तो तुम्हारी बढ़त चालू हो जाएगी। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव महाराज ने बहुत ही अच्छा आपको दिखाया, और चूंकि आप धाम से जुड़े हुए हैं तो हर प्रकार के लाभ भी आपको है। बहुत भरोसा, बहुत अटूट विश्वास मैंने भाई पे बहुत ज्यादा, शनिदेव भगवान पे देवता। बोल दे जय शनिदेव।